छह ऐसे टीम्स जो हैं इस बार पार्टिसिपेट करने वाली हैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, और दिन बचे हैं कहीं ना कहीं सिर्फ 23, और जैसे जैसे डे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट जो है वो बिल्डअप होती जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, एक्साइटमेंट बिल्डअप होने के दो बड़े रीजंस भी हैं। एक तो सबसे बड़ी बात कि 50 ओवर के फॉर्मेट में कहीं ना कहीं ऐसे टीम जो है वो फुल मेंबर के खिलाफ भिड़ने वाली है, क्योंकि वो हम रेयरली देखा करते हैं। जी हाँ, रेयरली देखने को मिलता है कि जो ऐसे टीम्स हैं वो 50 ओवर क्रिकेट में फुल मेंबर के खिलाफ खेले, क्योंकि बायलेटरल सीरीज वगैरह 50 ओवर की कराने की आसान होती नहीं है, और जिनके जिनके लिए बहुत आसान है वो कहीं ना कहीं कभी कवर करा लेते हैं, वो भी T20 ज्यादा कराते हैं 50 ओवर नहीं। हम यहाँ बात यही ओमान की कर रहे हैं, खास करके यूएई की कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखें। और दूसरी एक्साइटमेंट जो यहाँ पर है कि प्रिपेरेशन कहीं ना कहीं स्टार्ट होने वाली है और डेली क्रिकेट की नजर इस पर रहने वाली है। बाकियों को बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको शायद सीधा 18 तारीख का इंतजार होगा या वो और मैचेस का इंतजार होगा, लेकिन हमारा काम जो है वो शुरू हो जाएगा जैसे ही 1 जून आएगा, और 1 जून से, क्योंकि 1 जून के बाद लगभग सारी एशियन टीम जो है वो प्रिपरेशन उनकी चालू हो जाएगी स्कॉटलैंड को छोड़ के, क्योंकि स्कॉटलैंड की प्रिपरेशन आज से 1 महीने पहले चालू हो चुकी थी जब वो एंटीगुआ गए थे। उनकी प्रिपरेशन लगातार चल रही है, वो एंटीगुआ गए, वहां पर उन्होंने 13 दिन का कैंप लगाया, वहां उन्होंने मैचेस खेले, उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी के खिलाफ मैच खेला, और अभी रिसेंटली चेन्नई ब्रेव्स के खिलाफ भी उन्होंने मैच खेला अपने स्कॉटलैंड में ही, जिसकी अपडेट जो है कम्युनिटी आपने दे दी थी। लेकिन बाकी टीम्स की प्रिपरेशन शुरू होने वाली है जून के फर्स्ट हाफ में, खास करके शुरू के 10-15 दिनों में, तो डेली की नजर उस पर जरूर रहेगी। लेकिन अब यहाँ बात हमने इससे पहले आपके सामने करी थी दो ग्राउंड्स की, हरियाणा स्पोर्ट्स क्लब और क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, जो कि प्राइम ग्राउंड होने वाले हैं इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए। वो कैसा बिहेव करता है, क्या नहीं करता, वो सारे अपडेट हमने आपको दी। लेकिन अब वो दो ग्राउंड्स की यहाँ बात करते हैं जिनमें 90% मैचेस जो है एसोसिएट्स के होने हैं, और एसोसिएट्स को अगर बेहतर करना है तो इन ग्राउंड्स में उन्हें बेहतर करना होगा, क्योंकि इन दो ग्राउंड्स में ही लगभग एसोसिएट के 90% मैचेस होने हैं। तो ये पिचेस कैसे बिहेव करती हैं, कैसी रही हैं अभी तक 50 ओवर फॉर्मेट में, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि एसोसिएट के जितने मैचेस इन दो ग्राउंडों पर डिपेंडेबल हैं वो कैसे हैं, एंड दोनों ग्राउंड्स के आप मैचेस बताइए कि आखिर कौन कौन से मैचेस इन दो ग्राउंड्स पे है। पहले बात कर लेते हैं ताकाशिंगा क्रिकेट क्लब की। नहीं जरूर, देखिए अगर हम इसकी बात करें ताकाशिंगा की, तो यहाँ पर एक जरूर है कि यहाँ पर एक फुल मेंबर खाली खेलेगी और बाकी सब एसोसिएट है। जी हाँ, USA, नीदरलैंड, नेपाल, ये टीमें यहाँ पर खेलती हुई हमें नजर आएंगी। अगर हम मैचेस की बात करें तो वेस्ट इंडीज वर्सेज USA, नेपाल वर्सेज USA, नीदरलैंड वर्सेज USA, देख लीजिए USA तीन मैच खेलते हुए नजर आ रहा है इसी ग्राउंड पे खाली, वहीं पर उसके बाद नीदरलैंड वर्सेस नेपाल, इतना बड़ा मैच भी यहां पर है एसोसिएट में, सबसे बड़ा मैच कहीं ना कहीं उनमें से एक मैच ये भी है, और साथ ही साथ वेस्ट इंडीज वर्सेस नीदरलैंड्स ये मैच भी यहां होना है, यानी कि सिर्फ वेस्ट इंडीज है जिसके दो मैच यहां होने हैं, लेकिन यहीं पर नहीं, साथ ही साथ 4 प्लेऑफ के मैचेस भी यहां पर होने हैं। बिल्कुल, ये तो क्लियर है कि USA का तो पूरा का पूरा मामला ही यहां पर है, उन्हें अगर मैं देखूं एक ग्रुप में 5 यानी 4 मैचेस उनको मिलने के, तीन मैचेस में से यहां है डेफिनेटली USA का तो सब कुछ दाव इसी ग्राउंड पर लगा हुआ है। वहीं पर नेपाल के लिए भी और नेदरलैंड्स के लिए भी दो दो मैचेस है, और नेपाल के जो मैचेस हैं वो है USA और नेदरलैंड के खिलाफ, जो कि एशियन टीम्स के खिलाफ दो हो जाएंगे, और दो मतलब यानी कितने क्रूशियल मैचेस हैं ये दो भी, इससे कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो नेपाल, नेदरलैंड और USA के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड होने वाला है क्रिकेट क्लब, और ये किस तरह से बिहेव करेगा आगे आपको जरूर बताएं किस तरह से यहाँ पर गेम रहता है। उससे पहले जान लेते हैं बुलवाया एथलेटिक क्लब, जो एक और ग्राउंड है, वहां पर भी एसोसिएट्स के ढेरों मैचेस होने हैं। वहां पर कौन सी टीम को ज्यादा फिक्र रहेगी कि बुलवायो कैसा बिहेव करता है, उनके लिए कौन कौन से मैचेस होने हैं? नहीं जरूर, देखिए यहाँ पर ग्रुप बी की टीमें भिड़ती हुई नजर आएंगी हमें बुलवायो में, अगर हम देखें बुलवायो एथलेटिक्स क्लब में अगर हम बात करें, जैसे कि देखिए आप आयरलैंड वर्सेस ओमान, और उसके बाद ओमान वर्सेस UAE, स्कॉटलैंड वर्सेस UAE, स्कॉटलैंड वर्सेस ओमान, और साथ ही साथ यहाँ पर आयरलैंड वर्सेस UAE, तो आप साफ देख सकते हैं यहाँ पर ग्रुप बी की टीमें हमें नजर आ रही हैं, जैसे UAE, ओमान, ओमान के तो तीन तीन मैचेस हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, तो यहाँ पर इनका ही पूरा बुलवायो में एथलेटिक्स क्लब में इनका फैसला हो जाएगा, ये टूर्नामेंट में कहाँ है, कहाँ खड़े हैं, कहाँ नहीं खड़े, और आयरलैंड के भी फुल एज अ फुल मेंबर आयरलैंड के भी यहाँ पर दो दो मैचेस पड़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, तो क्लियर है कि बुलवायो एथलेटिक क्लब वो ग्राउंड है जहां पर लगभग ओमान और UAE का फेट डिसाइड हो जाएगा कि वो आगे जा पाएंगे या नहीं, क्योंकि इसी ग्राउंड पर उन्हें मैचेस खेलने हैं। वहीं नेपाल, नीदरलैंड की और USA की बात करें तो उन्हें
ताकाशिंगा क्रिकेट क्लब में मैचेस खेले हैं। चलिए आप बताते हैं कि इन दो ग्राउंड्स पर किस तरह का हाल रहता है जब भी 50 ओवर क्रिकेट यहाँ पर हुआ है। देखिए सबसे पहले यहाँ ताकाशिंगा क्रिकेट क्लब की अगर आपको यहाँ पर अपडेट देने की कोशिश करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ODI मैचेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम यहाँ पर हुए हैं। ODI मैचेस के यहाँ पर हुए ही नहीं है लगभग, और इतने भी नहीं हुए कि आपको उनके सामने प्रेजेंट किया जाए कि चल यहाँ कुछ हो गए हो तो। लेकिन यहाँ पर पिछले 2-3 महीनों से, जी हाँ, दो महीनों से मार्च से 11 या 12 मार्च से जो है, मार्च से यहाँ पर एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहा है। जी हाँ, 50 ओवर टूर्नामेंट है, क्लब्स का टूर्नामेंट है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहा है इसी ग्राउंड पर, इन्हीं पिचेस पर। वहाँ पर किस तरीके की पिच बिहेव देखने को मिला है, किस तरीके के स्कोर्स निकल रहे हैं, स्कोर क्या है, क्या अपडेट्स हैं, जरूर दीजिए। जरूर देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर जिस तरीके से हमने देखा उनके 50 ओवर कप में जो अभी रनिंग चल रही है और जो 25 जून को उसका फाइनल होना है, लेकिन हम अगर बात करें तो एवरेज स्कोर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 180 से 230 का हमें एवरेज स्कोर दिख रहा है, जितना हमने चेक किया, जितना हमने देखा। हाई स्कोरिंग ग्राउंड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। ये थोड़ा सा आप कहेंगे कि एक स्लोएस्ट विकेट टाइप का है तो यहाँ पर बुरा नहीं होगा इसे कहना, लेकिन इतना भी स्लोएस्ट नहीं है कि रनिंग यहाँ पर नहीं बन रहे, अच्छी बल्लेबाजी होगी तो ज़रूर बनेंगे। साथ ही साथ फर्स्ट इनिंग एवरेज यहाँ पर 220 का है और सेकेंड इनिंग एवरेज यहाँ 180 का है, यानी कि आप पहले टॉस जीते हैं तो पहले बल्लेबाजी करना थोड़ा यहाँ पर आपको फायदेमंद रहेगा बजाय सेकेंड बैटिंग के। वहीं पर अगर हम बात करें विंस वाइल्ड डिफेंडिंग और विंस वाइल्ड चेजिंग, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 58% जी हाँ डिफेंड करते हुए यहाँ पर टीम का पल्ला भारी है बजाय चेज के। तो आप देख रहे हैं पहले बल्लेबाजी करिए और फिर चीज़ें थोड़ी आपके लिए आसान होंगी। बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर आप बोर्ड पे अच्छा खासा स्कोर लगाइए, कम से कम एवरेज स्कोर तो लगाइए 230 के आसपास, और उसके बाद इतना भी आसान नहीं होगा कि सामने वाली टीम चेस कर ले। 10 में से 1 बार 1-2 बार 2 बार हो जाए, लेकिन 7-8 बार वो कहीं ना कहीं, लेकिन आपके बॉलिंग भी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल कोई भी अच्छी होनी चाहिए। खैर उसके बाद आगे के स्टैट्स की जरूरत, जरूर देखिए आप टॉप विकेट टेकर्स की बात करें इस पिच पर, जैसे कि इस टूर्नामेंट पर हमने देखा है, बता दें आपको फिर से 50 ओवर डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहा है वहां पर जिम्बाब्वे में ताकाशिंगा में, वो रिकॉर्ड्स हम यहाँ उठाकर लेके आए हैं। जो टॉप विकेट टेकर्स है इस टूर्नामेंट के, अभी जो चल रहा है वहाँ टूर्नामेंट, उस पर 6 स्पिनर हैं और 4 पेसर, यानी कि स्पिनर्स का बोलना सीधा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमने हमारे पिछले दो जो हमने बनाए थे हरारे और एक क्विंस स्पोर्ट्स क्लब का भी, उसमें भी काफ़ी स्पिनर्स इफेक्टिव थे, यहाँ पर भी स्पिनर हमें काफ़ी इफेक्टिव नज़र आ रहे हैं। वहीं 250 से 303 बार टीम ने यहाँ क्रॉस किया, 13 बार माफ़ कीजिएगा जी, 13 बार यहाँ पर टीमों ने क्रॉस किया है। वहीं 300+ 4 बार यहाँ पर क्रॉस हुआ है जी हाँ। यहाँ पर थोड़ा सा जो आप देख रहे हैं 300+ का जो आंकड़ा है वो यहाँ पर कम दिख रहा है हमें बजाय 250 से 300 के। वहीं पर डॉट बॉल्स की अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये आपके सामने जैसा आप नंबर देख रहे हैं 63% का डॉट बॉल परसेंटेज हो रहा है इस पिच पर। बिल्कुल भाई, एक चीज आपके मन में चल रही होगी यार, 25 से 300 यहाँ 13 बार बने हैं, 300+ 4 बार बने हैं तो काफी बार तो बन गए, तो फिर हमने एवरेज स्कोर 180-230 क्यों दिया है? ये 13 बार जो है 250 से 300 बने, यानी 13 इनिंग्स में अलग अलग इनिंग्स हो गई और 4 बार 300+, यानी 17 इनिंग्स में करीब करीब 250+ का स्कोर यहाँ पड़ा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी बिल्कुल होगी, ये 94 इनिंग्स में आए हैं, बताइए 94 इनिंग्स में 17 बार ऐसा हुआ है कि टीम 250 से प्लस, क्योंकि अब तक 97 इनिंग्स जो है वो इस टूर्नामेंट में हो चुकी है। तो आप कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हैं कितना आसान बिल्कुल भी बैटिंग करना यहाँ पर है नहीं। सेकंड हाफ में खास करके और ज्यादा, फर्स्ट हाफ में फिर भी आपको मिल जाएगा रन्स, करेंगे सेकंड हाफ में दिक्कतें हो जाती है, लेकिन अगर आपकी बैटिंग अच्छी है, आपको स्किल हाई है और साथ साथ में आपका इंटेंट बेहतर है, आपको अप्रोच अच्छा है, बिल्कुल ग्राउंड पर, तो फिर आप वहाँ पर चेस ऐसा नहीं है, क्योंकि 42% आखिर चेस करते हुए भी जीते हैं, उन्होंने अच्छे खासे टेस्ट जरूर दिए हैं। लेकिन डॉट बॉल्स आप देख सकते हैं 63% डॉट बॉल्स, अब तक 20,142 बॉल्स यहां डल चुके हैं, जिसमें से 12,735 डॉट बॉल्स अब तक खेली जा चुकी है टूर्नामेंट में 97 इनिंग्स में। तो डेफिनेटली ये पिच जो है हाई स्कोरिंग गेम तो यहां पर बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेंगे, एक मीडियम कॉल स्कोरिंग देखने को मिलेगी और सेकंड हाफ में ये पिच डेफिनेटली बॉलर्स को ज्यादा हेल्प करेगी, तो डिफेंड करना यहां ज्यादा फायदेमंद रहेगा अगर आपने पहले एक अच्छा टोटल कहीं ना कहीं लगा दिया। 100 120 रन को डिफेंड करने की सोच रहे हैं तो नहीं हो पाएगा,
टारगेट जरूर गिर जाएंगे, लेकिन इतना भी नहीं, कम से कम आपको एवरेज स्कोर पार जरूर करना होगा। वही अब चलते हैं, ये तो बात हो गई कि नेपाल, नीदरलैंड और यूएसए को किस तरह की पिच से टैकल करना है ताकाशिंगा क्रिकेट क्लब में। अब आप सोच सकते हैं कि डेफिनेटली जो पिचेस वगैरह हैं वो वही तो नहीं रहने वाली, फ्रेश पिचेस होंगी, डेफिनेटली फ्रेश पिच जरूर होंगी, लेकिन जो एक मेजर वो होता है, एक मूड होता है, बिहेव होता है, वो तो वही रहने वाला है। आखिर मट्टी तो वही रहने वाली है, रोलर सॉइल वही रहने वाला है, और ऊपर से रोल वोल चलाएंगे, लेकिन वो रोल कब तक, और रोल और इस तरह के ग्राउंड पर रोल जितना ज़्यादा चलाएंगे उतनी ज़्यादा फटती चली जाएगी, फिर और ज़्यादा कहीं ना कहीं स्पिनर्स इफेक्टिव हो जाएंगे। तो शुरू के एक दो मैचेस में शायद बैट्समैन को हेल्प मिले, लेकिन फिर वो घूम फिर के बाद 180-230 वाली ही आ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा देर तक वो रोल जो है वर्क करने वाला है, और ज़्यादा अगर चला दिया हैवी रोल तो कहीं ना कहीं पिच जो है वो क्रैक होने का भी डर बना रहेगा। अब चलते हैं दूसरे ग्राउंड की तरफ कि स्कॉटलैंड, ओमान और यूएई खास करके इनको किस तरह की पिचेस मिलने वाली है जिन पे इनका फेट डिसाइड होगा, एंड बुलवाया एथलेटिक क्लब के स्टैट्स जल्दी से क्या किस तरह के जरूर बताइए। जरूर देखिए, अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें तो यहाँ पर 225 से 240 हो जाता है, यानी कि ताकाशिंगा से थोड़ा बेटर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। वहीं फर्स्ट इनिंग एवरेज यहाँ 200 प्लस का रहता है, वहाँ से बेहतर दिख रहे हैं स्टैट्स, बिल्कुल सही बैटिंग के लिए विजिबल है, साफ नजर आ रहा है। सेकंड इनिंग एवरेज 240 प्लस का है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा है, यानी कि यहाँ पर चेस करना बेटर रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, वहाँ पर अगर हम देखें डिफेंड करते हुए, यहाँ पर 6 में से 2 मैच जीते हैं टीम ने, यानी कि 33% का विनिंग परसेंटेज है, लेकिन वहीं पर चेस करते हुए अगर आप देखें तो आपके सामने रिजल्ट कुछ इस तरह आ जाता है कि 6 में से 4 मैच टीम ने चेस करते हुए जीते और विनिंग परसेंटेज 67% का बैठ जाता है, वाकई कमाल का। बिल्कुल, वहीं पर टॉप विकेट टेकर्स की लिस्ट की बात करें इन 6 मैचेस में तो 4 पेसर और 6 स्पिनर सिमिलर यहाँ पे भी इफेक्टिव रहेगा, बिल्कुल सिमिलर चारों ग्राउंड पे सिमिलर, चारों ग्राउंड्स पे ये देखने को मिला है कि स्पिनर्स थोड़े से एज ज्यादा है, लेकिन स्पिनर्स हैं और पेसर्स कोई विकेट नहीं मिला है, लेकिन स्पिनर्स कहीं ना कहीं विकेट करते हुए नजर आते हैं। और डेफिनेटली मुझे पूरी उम्मीद है दोनों इनिंग के सेकंड हाफ में खूब विकेट स्पिनर्स का बोल वाला रहेगा, खास करके 15 ओवर के बाद से 40 ओवर तक की अगर मैं बात करूँ इस फेस में चारों ही ग्राउंड्स पे, और उसके बाद 250 से 300 यहाँ 2 बार कड़ी पड़े हैं इसके बीच का स्कोर, और 300 प्लस यहाँ एक भी बार अभी तक लगा नहीं, और 6 मैचेस, ये 6 मैचेस हम आपको बता दें, ये 6 मैचेस में से 5 मैचेस जो है वो 2018 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में राउंड पर खेले गए थे, और एक मैच 1992 जो जब न्यूजीलैंड जिम्बाब्वे के बीच में ही मैच हुआ था, वो उस मैच का स्टैट यहाँ पर है। तो अगर आप उसको उसका एक्सक्लूड भी कर दें तो 5 मैचेस जो है इसके वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2018 में जिस ग्राउंड पर खेले गए थे, वही स्टैट्स हमने आपके सामने यहाँ प्रेजेंट तो किए हैं। तो क्लियरली है कि बुलवाया एथलेटिक क्लब में चेज के लिए टीम ज्यादा जाएंगी, और ताकाशिंगा में डिफेंड के लिए ज्यादा जाएंगी, कम से कम पिच का बिहेवियर मिजाज जो है वो यही कहता है। बैटिंग के लिहाज से ताकाशिंगा में आपको स्ट्रगल करना होगा, निकालने होंगे रन, जल्द करनी होगी, और बुलवायो में वहां भी आपको मेहनत करनी है, लेकिन थोड़ी बहुत पिच से भी आपको हेल्प मिलती हुई जरूर रहेगी। स्पिनर्स दोनों ही जगह इफेक्टिव रहेंगे, पेसर्स भी कहीं ना कहीं इफेक्टिव रहेंगे, एंड ओवरऑल दोनों ग्राउंड्स को देखकर आपको क्या लगता है, कुछ अच्छे मैचेस देखने की उम्मीद है, क्योंकि मैचेस कुछ बहुत अच्छे अच्छे होने वाले हैं। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बेहतरीन मैचेस हैं आप देखेंगे उस ग्रुप में, ग्रुप ए में भी नीदरलैंड नेपाल है, नेपाल एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच है जरूर, तो यहाँ पर हमें एक अच्छे एक स्कोर की उम्मीद, लेकिन बैटिंग स्किल उठाने की जरूरत जरूर होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि क्रिकेट को उठाने के लिए बैटिंग स्किल ही चाहिए, बॉलिंग आप कितनी बेहतरीन करा रहे हैं उससे भी क्रिकेट परफॉर्मेंस भी, ये बड़ी गलत फहमी है आजकल के सब में, एक बड़े बड़े एक्सपर्टों में भी, कि बल्लेबाजी चलेगी तभी क्रिकेट कहा जाएगा, वाह क्रिकेट बड़ा शानदार चल रहा है, बॉलिंग चलेगी तो कहेंगे क्रिकेट खत्म हो गया, क्रिकेट बेकार हो गया, पिच खराब बना दी ये वो, लेकिन मतलब अगर 350-400 पड़े तो वाह वाह क्या मैच हुआ था, और 180 पे अगर लड़ जाए, दोनों टीमों ने लड़ाए हैं और 180 वो बेकार टीम ने बनाया, ऑल आउट हो गई, दूसरी टीम भी आई, 9 विकेट गिर गए, तो कहेंगे अरे यार कैसी पिछली ये था वो था, कि बकवास है, मतलब कुछ भी, मतलब छक्के पड़ेंगे तभी आप क्रिकेट कहेंगे, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमें एक कॉन्टेस्ट देखने को मिले, एक अच्छी जो भी बेहतर हो, या बैटिंग हो या बॉलिंग हो, तो उसका स्किल हमें अपमोस्ट यानी कि स्टैंडर्ड हाई होनी चाहिए। जरूर जरूर बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मैचेस जो है वो कमाल के हैं, चाहे ताकाशिंगा में हो चाहे बुलवाया हो। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जैसे हमने आपको बताया कि बहुत सारे अच्छे टीम्स के जो फेट, लगभग सभी टीम्स के जो फेट हैं वो कहीं ना कहीं दो ग्राउंड्स पर आकर अटक जाते हैं, प्ले ऑफ तक के मैचेस भी ताकाशिंगा में होने हैं। तो फिलहाल ये दो ग्राउंड्स के बारे में जो हमने आपको सोचा कि चलिए इस पे भी अपडेट कहीं ना कहीं दी जाए, वो हमने आपके सामने प्रेजेंट की। वर्ल्ड कप क्वालिफायर का जो प्लेलिस्ट है वो जरूर
जाकर चेक करें, उसमें कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको लगातार मिल जाएंगी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार आएंगी। स्क्वाड्स का इंतजार कर रहे हैं, 6 स्क्वाड्स अब तक आ चुकी हैं, 4 स्क्वाड्स और आने बाकी। जैसे स्क्वाड्स आती है, स्क्वाड्स में किन के पास किस तरीके के हथियार हैं, क्या वेपन्स हैं, किन के पास ऑलराउंडर्स की कमी है, किन के पास बॉलिंग बेहतरीन है, किन के पास बैटिंग बेहतरीन है, एक जबरदस्त कंपैरिजन स्क्वाड एनालिसिस का वीडियो भी आपके सामने प्रेजेंट करेंगे हम विद प्लेयर बाय प्लेयर। बहुत ही जबरदस्त कुछ सोच के रखा हुआ है डिस्कशन के तौर पर, डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। लेकिन प्लीज सारी टीमों से बोलिए भाई, चार टीमों का स्क्वाड भी रिलीज करें, काफी वक्त हो गए, लेकिन जल्दी जैसे ही आएगा आपके सामने प्रेजेंट जरूर करेंगे। डेल क्रिकेट चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय।